वेलकम फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज आप देखेंगे कक्षा 8 की मैथ का 6वां भाग यानी कि अभ्यास 1 का एफ। ध्यान से देखना, इस क्लास को पूरा देखना, सब कुछ समझ में आएगा। रेशनल नंबर हमारा टॉपिक चल रहा है, परिमेय संख्या पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल आप लोग देख रहे हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों, पहला सवाल है जो आपके बुक में है, ये ट्रू फॉल्स है यानी कि सत्य असत्य बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखना, कह रहा कि -6/7 + 6/7 इसको जोड़ेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा या नहीं होगा। जरा आपके सामने मैं करके दिखा देता हूँ, -6/7 और ये +6/7 जब आप जोड़ोगे तो इसका नीचे नीचे का हर हर बराबर है, तो अंश अंश जुड़ेगा। मतलब ये जैसे भी ये साल्व हो जाएगा, 0/7 और 0 आएगा। 0 एक रेफरल नंबर है, चूँकि इसे P/Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन सत्य है। दूसरा कह रहा कि परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, सही है कि गलत है? तत्समक अवयव, इसको हमने आपको इंग्लिश में भी बताया था, तत्समक अवयव क्या होता है, आपने देखा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो परिमेय संख्याओं के योग का आइडेंटिटी एलिमेंट शून्य होता है या नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर परिमेय संख्या को योग का तत्समक अवयव किसी भी संख्या में जोड़ोगे तो क्या शून्य होगा? नहीं होगा ना। मतलब समझना, अगर 0 में 1 जोड़ोगे शून्य होगा? नहीं होगा। अगर आप कोई भी संख्या को 0 में जोड़ोगे या 0 में कोई भी संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा? वही संख्या आएगी, आएगी ना। जैसे 0 में 7 जोड़ोगे तब भी 7 आएगा, और 7 में 0 जोड़ोगे तब भी क्या आएगा? 7 आएगा। मतलब कहने का ये है कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर 0 को जोड़ते हैं या 0 में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो उस मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही आता है जिसमें आप जोड़ते हैं। और इसी प्रगुण के कारण 0 को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव भी कहा जाता है, यानी कि ये भी क्या होगा? सत्य होगा। मतलब समझ गए ना अब आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला कह रहा कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम अगर बोलें, जैसे -5 का योगात्मक प्रतिलोम तो +5 हो जाएगा, अगर 3 का योगात्मक प्रतिलोम तो -3 हो जाएगा। तो योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलता है। अगर 0 का योगात्मक प्रतिलोम कहोगे तो क्या होगा? -0 होगा। तो एक बात यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिए, चाहे तो 0 लिखोगे या -0 लिखोगे, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये भी सत्य है। क्या है ये? ध्यान दीजिएगा, ये सत्य लिखा है कि असत्य लिखा है, चूँकि निगेटिव में है। इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या शून्य का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो होता है। 0 का हो जाएगा -0, -0 का 0 हो जाएगा। अगला, पूरा क्लास देखना, सब समझ में आएगा। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम बिल्कुल होता है। जैसे अगर -3/2 का योगात्मक प्रतिलोम बोलेंगे तो वो धन में 3/2 हो जाएगा, मतलब केवल चिन्ह बदलेगा बस। तो ये फंडा आप समझ गए होंगे। क्लास को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना कुछ भी, आपको पक्का समझ में आएगा। अगर 5वां क्लास नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, इससे रिलेटेड थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास चाहे 5 ही मिनट की हो, ये देखकर मत छोड़ा करिए कि 5 ही मिनट का है। जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा टॉपिक हम शामिल करते हैं कम से कम समय में, तो पूरा क्लास देखा करो, ठीक ना। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ये हो चुका है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, नहीं शून्य है, गलत है। घटाने का तत्समक अवयव का मतलब ये है कि जैसे 7 से 0 घटाओगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, 7 आएगा। अगर दूसरा, इसमें एक और एग्जांपल, अगर 0 में से 19 घटाओगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, वही संख्या आएगी, मतलब जो घटाओगे ये -19 आएगा। इस तरह से 0 नहीं आ रहा ना, तो यानी कि ये क्या है, लाइन जो लिखी है गलत है, यानी ये असत्य हो जाएगा। देखिए, ये सत्य असत्य छोटी क्लास का है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि इनका टॉपिक क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। अगला देखिएगा ध्यान से, कह रहा कि परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक होता है। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक होता है। देखिए, ये सत्य है कि असत्य है इसे नहीं, मतलब समझना। जैसे 7 कहा जाए, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 होगा, चूँकि ये 7/1 है, तो यहाँ पर तो 1 होने का कोई चांस नहीं लग रहा है ना।
अगला, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। मतलब एक माइनस में अगर कोई संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या वो माइनस में आएगी, निगेटिव आएगी? जैसे माइनस एक बटा तीन का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा पता है आपको? केवल पलटता है भिन्न, बस माइनस तीन बटा एक। मतलब कि संख्या का चिन्ह नहीं बदलता है, कुल मिलाकर के माइनस ही होगी, ये सत्य है। ठीक, परिमेय संख्या यक्स का योगात्मक प्रतिलोम अगर यक्स है तो यक्स बराबर जीरो होगा, बिल्कुल। अगर यक्स है इसका योगात्मक प्रतिलोम करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कुल मिला के फाइनल में जीरो हो जाएगा, समझ गए ना? तो ये भी क्या है, सत्य है। और वो क्या हो जाएगा आपका छठवां, असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम एक नहीं होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर बराबर करेंगे तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। बराबर करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इसको हल करेंगे एक साथ। तो जैसे देखिए, हमने कहा था कि सात का गुणात्मक प्रतिलोम एक बटा सात है ना, तो सात का मतलब क्या हुआ, सात बटा एक हुआ, यही तो हुआ ना, ठीक ना? तो ऐसी स्थिति में आपका एक हो सकता है, अगर इसको आप हल करेंगे तब आपका एक हो सकता है कट के, ठीक है, समझ गए ना? तो ये था कॉन्सेप्ट, और ज़्यादा जानकारी के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग फेसबुक पर सर्च करिएगा PBR स्टडी, और वहाँ पर आप देख सकते हैं इसको फुल कॉन्सेप्ट। चूँकि आज की क्लास आपको 6-7 मिनट की जो छोटी सी मिल रही है ना, इसके आगे अभी बहुत कुछ है इसी पार्ट में, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको फेसबुक पर विजिट करना होगा। और फेसबुक पर आपको क्या करना होगा, PBR स्टडी लिख करके जहाँ पर फ्रेंड बनाते हैं ना वहाँ पर सर्च करना होगा, उसके बाद आप इस क्लास को पूरा कम्प्लीट देख पाओगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर भी ये क्लास प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर क्लास प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क का पेमेंट करना पड़ेगा, अगर आप YouTube या Facebook पर देखेंगे तो बिल्कुल फ्री होगा। और व्हाट्सएप पर क्लास के लिए आपको 549 रुपये का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको कंप्लीट मैथ व्हाट्सएप पर मिलेगा, कहीं नहीं जाना होगा, ठीक ना? तो जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं, Facebook और YouTube पर बिल्कुल फ्री, व्हाट्सएप पर पाएंगे तो आपको पे करना होगा। तो साथियों, इस क्लास में बने रहना, बस आते हैं अगली क्लास के साथ आपके साथ तुरंत। 10 बजे से कक्षा 10 की NCERT मैथ होगी, और सॉरी 8 बजे से, ठीक है, 8 बजे से कक्षा 10 NCERT मैथ, उसके बीच में करंट अफेयर भी होता है, सामान्य ज्ञान भी होता है 7 बजे 6 बजे, उसको भी देख लेना, बेल आइकन जरूर ऑन करना सब्सक्राइब करके। जय हिंद जय भारत, अगली क्लास के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।